कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ये मेरे पास न्यूटन्स क्रेडल है, अगर मैं इसमें से एक बॉल को उठाता हूँ तो इसका टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर से एक बॉल ही बाहर निकला। अगर मैं दो बॉल लेता हूँ तो दो बॉल का मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो दो निकल रहा है। अगर मैं तीन लेता हूँ तो तीन निकलेगा, तो इधर से तीन बॉल बाहर निकला। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये बलून का मोमेंटम अभी जीरो है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो बलून ऊपर जाती है, एयर नीचे आता है, एयर का मोमेंटम निगेटिव, बलून का मोमेंटम पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे जीरो ही आएगा। तो मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।